हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे यूएन नंबर को कैसे एक्टिवेट करते हैं। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटी का निशान दबा दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं अपना लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूँ। अगर आप मोबाइल से काम करते हैं तो क्रोम ब्राउज़र को खोल लेना है आपको, और क्रोम ब्राउज़र को खोलने के बाद आपको इस तरह यहाँ पर मेरा माउस का जो कर्सर देख सकते हैं, जो तीर है वो यहाँ पर थ्री डॉट जो लिखा होगा, इस पर जाके आपको यहाँ डेस्कटॉप मोड का एक ऑप्शन आएगा लिखा हुआ इस कॉलम में, इसी तरह मोबाइल में, ठीक ना। तो मैं अपना लैपटॉप से कर रहा हूँ, तो आप अपने बहुत आसान तरीके से मोबाइल से भी काम कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में घंटे का निशान दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आपको EPF लिखना है। आप यहाँ पर लिखेंगे EPF लिख दें और लॉगिन लिख दें, ठीक ना। और जैसे ही सर्च करेंगे तो फर्स्ट में जो वेबसाइट आएगा उसको आप यहाँ पर न्यू टैब करके खोल लेना है। अगर मोबाइल में करना है तो उस पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर इस तरह खुल जाएगा, ठीक है। तो हल्का सा ये टाइम लगा, कभी कभी इसका सर्वर जाम रहने के कारण हल्का सा टाइम लेता है ओपन होने में, तो हड़बड़ाए नहीं, ये खुलता है लेकिन हल्का सा टाइम लेगा, ठीक है ना। तो वीडियो पे बने रहें, जैसे ये खुलता है तो आगे बताते हैं। उसके बाद इस तरह खुल जाएगा और नीचे कर लेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक लिखा हुआ आता है एक्टिव यूएन नंबर, ठीक है ना। तो आपको एक्टिव यूएन नंबर जो है इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरह इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आप ऊपर में आप अपना जो यूएन नंबर है इसमें वो डाल देंगे, ठीक है ना। तो मैं फटाफट अपना यूएन नंबर को डालते हैं, क्योंकि मेरा पहले से यूएन नंबर रखा हुआ है। तो अगर आपके पास यूएन नंबर है तो आपको डालना अनिवार्य है, क्योंकि आप इस तरह एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखते हैं और आगे भी बताएँगे आपको क्या क्या है क्या नहीं, तो वीडियो पर बने रहें। तो मैंने यहाँ पे यूएन नंबर को कॉपी कर लिए हैं और मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक ना। तो पेस्ट नहीं हो रहा दोस्तों, तो इसको हम एग्जांपल के तौर पे मेरा ये यूएन नंबर है, वीडियो पे बने रहिएगा। मैं टाइपिंग करके आगे बताता हूँ कैसे क्या करना है। और उसके बाद देखिए इंटर मेंबर आईडी, अगर पीएफ आईडी है तो पीएफ मेंबर है तो यहाँ पे पीएफ का नंबर डाल सकते हैं, अन्यथा यूएन नंबर है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद देखिए जो स्टार है यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, तो मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। और नीचे में डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ मैं टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है पीएफ ऑफिस में जो रजिस्टर कराए हैं वो नंबर, और यहाँ पे आपको कैप्चा देना होता है। तो आप अपने यहाँ पे जो जैसे छोटा अक्षर है या बड़ा अक्षर है जो भी है उस तरह आप यहाँ कैप्चा डाल देंगे, और गेट ऑथराइजेशन जब पिन लिखा है इस पर क्लिक कर देंगे। तो अगर इसमें कुछ गलती होगा तो OTP नहीं जाएगा, अन्यथा चल जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो पे बने रहें, हम देखते हैं क्या होता है, हल्का सा टाइम लेगा ये। तो दोस्तों, इसमें जैसे वीडियो पे बने रहें, जैसे आगे होता है आपको बताएँगे स्क्रीन पर, हल्का टाइम ले सकता है। एक OTP जाएगा और OTP डालने के बाद, तो दोस्तों अभी देखिए ये सर्वर प्रॉब्लम के कारण इस तरह हो रहा है। तो फिर से मैं इसको रीलोड करता हूँ और देखते हैं आगे। तो देख सकते हैं इनवैलिड कैप्चा आ रहा था, तो कैप्चा जो है इनवैलिड है। इसको हम फिर से डालते हैं और कैप्चा यहाँ से दूसरा कैप्चा ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने कैप्चा को गलत डाल दिए थे इसलिए हुआ था इस तरह। तो मैं फिर से कैप्चा को डाल रहा हूँ, वीडियो पे बने रहे हैं। उसके बाद फिर से मैं क्लिक करता हूँ, फिर इस तरह आया तो फिर से आपको इस तरह रीलोड कर देना है, कोई बात नहीं है। इसका सर्वर प्रॉब्लम होने के कारण इस तरह होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ सब कुछ आ गया और आपको एक OTP आएगा नीचे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर देना है, और जो OTP है OTP डालना होगा इसमें। और जैसे ही इसमें OTP डालेंगे तो मेरा जो OTP आया है यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ, वीडियो पे बने रहें।
तो मैं जैसे ओटीपी डालूंगा तो आगे देखते हैं क्या आता है। जैसे मैं इस पर क्लिक किया, ओटीपी डाल दिया, तो यहाँ पे देखिए यूएन इज ऑलरेडी एक्टिवेट, मैंने पहले से मैं एक्टिवेट कर दिए थे दोस्तों, तो इसलिए इस तरह मैसेज आया। और आपका एक्टिवेट नहीं है तो आपको इस तरह एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ना था डिसलाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटी का निशान दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।